आदित्य ऑर्गेनिक के तरफ से आर के सिन्हा का नमस्कार। आज मैं इस नींबू के बाग में घूम रहा था तो हमने देखा कि हमें सेवा की ज़रूरत है, क्योंकि तो फल आ रहे हैं और ये सारे छोटे छोटे फल जो हैं आप देख लीजिए, ये अब मटर के दाने से बड़े हो गए हैं। ये सारे फल आप देख सकते हैं, अब इनको सेवा की ज़रूरत है। ये देखिए, जब फूल हो तब उसको पानी तो कम देना चाहिए, ठीक है, लेकिन अब जब फल मटर के दाने के बराबर हो गए हैं तब हमें सेवा करने की ज़रूरत है। देखिए, ये जो जब कभी भी गोड़ाई की जाती है जड़ की, तो जड़ के नज़दीक नहीं की जाती, क्योंकि तो जड़ के नज़दीक जब हम करेंगे तो वहाँ मुख्य तना है, मुख्य जड़ है। जो मुख्य जड़ है वो सहारे के लिए होता है, उसकी वो जमीन में खड़ा करे उसके लिए होता है, लेकिन मुख्य जड़ से कोई भी पोषक तत्व पौधे में नहीं जाता है। जो उसकी सहायक जड़ें होती हैं, पतली पतली जड़ें जो फैलती हैं, उससे हो जाता है पोषक तत्व। तो अब सहायक जड़ें कहाँ तक जाएंगी, उसका बहुत सीधा फॉर्मूला है। पेड़ की छाया का क्षेत्रफल जो है वहाँ तक सहायक जड़ जाएंगी। सूखा पत्ता जब नीचे दबेगा, ठीक है, और इसको लगातार जब हम पानी देते रहेंगे तो सूखा पत्ता सड़ के ये लीफ कंपोस्ट तैयार करेगा, जो सबसे बढ़िया कंपोस्ट होता है विश्व का। ये ट्राइकोडर्मा पाउडर है, दिखाइए 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 पहले इनको। ट्राइकोडर्मा कल्चर है, ये फफूंदी नाशक है और ये हम जैव कीटनाशी प्रयोगशाला कीट विज्ञान विभाग राष्ट्रीय कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर से हमने मंगाया है। अब नीम की खली जो है बस, ठीक है, अब ये हो गया। नीम की खली जो है ये भी फफूंदी नाशक भी है, कीटनाशक भी है, इसको डालेंगे।
अब आप देख लीजिए इस तरह से नींबू के पौधों की सेवा हो रही है। एक सप्ताह के बाद आप देखेंगे इस पौधे का ग्रोथ, इसकी हरियाली। अभी तो ये अप्रैल का महीना आ गया तो गर्मी वाला सीजन हम मिस कर गए, लेकिन अभी अप्रैल मई जून की जो सेवा होगी तो ये फिर बरसात के समय में जुलाई अगस्त में फूल देना शुरू करेंगे और सितंबर से फल पकड़ना शुरू कर देंगे और ये जनवरी फरवरी तक फलते रहेंगे। इस प्रकार से यदि हम लगातार सेवा करते रहें तो 12 महीने नींबू से कुछ न कुछ फल प्राप्त कर सकते हैं और नींबू तो औषधीय गुणों से भरपूर है। नींबू को भोजन में इस्तेमाल करिए, चटनी में इस्तेमाल करिए, अचार बनाइए, नींबू के तरह तरह के व्यंजन बनाइए, मीठी चटनी बनाइए, मीठा अचार बनाइए। नींबू तो एक ऐसी चीज़ है जो कि भारतीय व्यंजन में हर तरह से काम आती है। तो आज नींबू की बात की, अब एक दिन मिर्च की बात करेंगे क्योंकि तो नींबू और मिर्च का तो ऐसा संबंध है कि जब नींबू की बात होगी तो मिर्च की बात होगी ही। वो भी 12 महीने फलने वाला पौधा है, उसके भी 3 फसल आते हैं, उसकी भी बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, और अगर पसंद आए तो शेयर भी करिए, लाइक भी करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।